हेलो फ्रेंड, आप लोगों का स्वागत करते हैं मेरे चैनल पर। मैं आप लोगों को हमेशा एक न्यू अपडेट देना चाहता हूं। आज का अपडेट आपके लिए बहुत ही ख़ास है, क्योंकि आज जो है आप लोगों को एक चीज़ बताना जा रहा हूं, ख़ास करके onpayship.net के बारे में, कि वो कभी भी लाइव हो सकता है। मतलब ये हुआ, इंटरनेट में कभी भी वो लाइव हो सकता है, आपको कभी भी मिल सकता है। दिन में मिल सकता है, रात में मिल सकता है, एक दिन में, दो दिन में, तीन दिन में, कभी भी मिल सकता है। मतलब वो है कमिंग सून पे है। आप लोग बिल्कुल रेडी रहिए और आपका जो सपना था वो साकार होने की कगार पर खड़ा है। आप जिस चीज़ के इंतज़ार कर रहे थे बहुत दिनों से कि लॉन्च कब होगा, वो कभी भी लाइव हो सकता है, दिन रात कभी भी लाइव हो सकता है। बस सिर्फ आप लोग इंतज़ार कीजिए और अपने तैयारी कर लीजिए, और अपना तैयारी में से आप लोग क्या कीजिएगा। देखिए, तैयारी करना इस बात से है कि जैसे ही जो है आप लोग के पास लाइव होगा, आप लोग के पास आ जाएंगे, और क्या करना, www.ofonda.net तभी सर्च मारिएगा। उसके बाद आप लोगों को उसमें लॉगिन करने के लिए तो आप लोगों को ईमेल आईडी इसमें डालना पड़ेगा, जो आपका ईमेल आईडी गो फाउंडर में डाला हुआ है वो ईमेल आईडी आप डाल दीजिए। डालने के बाद आपके पास वन टाइम ओटीपी जाएगा, और उस ओटीपी को वेरीफाई कीजिएगा और आप वहाँ पे लॉगिन हो जाइएगा। उसके बाद उसमें 5 प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। लेकिन याद रखिएगा, जिसके भी आपके पास ईमेल आईडी पुराने हैं, पासवर्ड भूल चुके हैं, क्योंकि ईमेल आईडी डालने के लिए आपको क्या चाहिए, पासवर्ड चाहिए। इसलिए आप अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड को हमेशा के लिए एक नोटेड करके रखिए, ताकि उस समय कोई दिक्कत ना हो। साथ ही साथ बताना चाहते हैं कि बहुत सारे लोग कह रहे थे कि ईमेल आईडी भूल गए, पासवर्ड भूल गए। पासवर्ड भूलिए तो आप रिसेट करके पासवर्ड बना लीजिए, और ईमेल आईडी भूल गए तो आप एलसी मेंबर से कॉल करके अपना ईमेल आईडी वो बदलवा लीजिए, या फिर ईमेल आईडी को वहाँ से रिकवरी कर लीजिए। अब बताना चाहते हैं कि आप लोग जैसे ही उसमें लॉगिन हो जाएंगे, उसमें 5 प्रोडक्ट दिखने को मिलेगा फ्रेंड। पांचों फ्रेंड के पांचों जो ऐप प्रोडक्ट होगा, नहीं 5 ऐप होगा, जैसे मान लीजिए ओ नीड, ओ ट्रैकर, लीड, ओ मेल, ओ नेटवर्क, ओ नेट का एक पार्ट होगा। तो याद रखिए कि बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो आप लोग के पास बहुत ही शानदार तरीके से आता है। जैसे आप लोग का जो व्हाट्सएप ग्रुप बना के मैसेज करते हैं कि हम लोग इतना मेरे फ्रेंड सर्कल है, ग्रुप बना देते हैं, उसे कम्युनिकेट करते हैं, इंडिविजुअल भी कर सकते हैं। सेम उसी तरह आप ओ नेटवर्क में भी अपना ग्रुप बना सकते हैं, तो मैं ज़रूर बनाऊँगा और इंडिविजुअल भी अपना काम कर पाऊँगा। अब आते हैं, हमारे पास कुछ और अपडेट है जो आप लोग सुनना बहुत ज़रूरी है, जो इस प्रकार से है कि आप लोगों को पता होगा कि हमारे पड़ोसी देश में बांग्लादेश में जो है एक न्यू 2 मंजिल ऑफिस तैयार हो चुका है, और कभी भी उसका जो ऑफिस का लाइव प्रसारण या लाइव कर दिया जाएगा, लोकेशन का, एड्रेस का, इसी आप लोगों को लाइव कर दिया जाता है। तो आप लोग वहाँ पे जाके देख सकते हैं, यहाँ पे पता कर सकते कौन सा जगह पे है। लेकिन आप लोग याद रखिएगा, जो ऑनपेसी में सबसे ज़्यादा फाउंडर हैं वो भारत में है और बांग्लादेश में है। ये दोनों जो है हॉटस्पॉट है, खास करके फाउंडर के लिए। इसीलिए यहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस है भारत में, हैदराबाद में सबसे बड़ा दुनिया का ऑफिस है फाउंडर का, और फिर दूसरा नंबर पे बांग्लादेश का बन रहा है। तो याद रखिएगा कि जो हमारा जो एप्स आएंगे, उनके सर्वर होगा, उनके डेटा होगा, जो उनको सर्वर को स्वाइप करने के लिए सर्वर चाहिए, जो उसका सर्वर का जो हब बना जाएगा, सेंटर बना जाएगा, इन्हीं 2 कंट्री में बना जाएगा। मतलब ये हुआ, OnePassive का जो बड़े बड़े जो सर्वर का सेंटर होगा वो हमारे भारत और बांग्लादेश के बीच में ही होगा। तो आप लोगों को ये बात अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आते हैं हम लोग दूसरे अपडेट में, क्योंकि अपडेट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ये अपडेट इस प्रकार से है कि अगर मान लीजिए कि ofonda.net में जो पे प्लान होगा, ये पे प्लान कैसा प्लान है, आप लोग जानते हैं, अगर कोई भी कंट्री में कोई भी पे प्लान होता है, या कोई भी कंपनी का अपना खुद का पे प्लान होता है, वो प्लान जो होता है बहुत ही ज़बरदस्त होता है। उसका वो पे प्लान का कोई भी जो है यूज़ नहीं कर सकता, उसका कॉपीराइट का क्लेम वो खुद रख सकता है, पूरी दुनिया में उसका कॉपी नहीं कर सकता है। अगर हमारा जो पे प्लान होगा वो बहुत ही ज़्यादा जो है यूनिक होगा, और ऐसा सिस्टम आएगा बहुत ही ज़बरदस्त। इसीलिए हमेशा वो फाउंडर इसके जो मेन अपडेट है हमारा बाहर नहीं किया जाता है, पब्लिक नहीं किया जाता है, ताकि हमारा जो पे प्लान का जो सिस्टम है कोई किसी भी तरह से कॉपी नहीं कर सके, जब तक हम उसको लॉन्च नहीं करते। लॉन्च करने के बाद उसे कोई कॉपी नहीं कर सकता, फिर उसके बाद कोई दिक्कत नहीं। अगर बात करते हैं कि अभी के दौर में जो पे प्लान है वो है मैट्रिक्स,
बैनरी, और आप लोग जानते हैं इसके अलावा एक और प्लान है जिसके बारे में आप लोग ज़्यादातर बात करते हैं। तो मैट्रिक्स और बैनरी में ज़्यादातर लोग भरोसा नहीं करते हैं, लेकिन तीसरा प्लान में बहुत ज़्यादा लोग भरोसा करते हैं और उस पर बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं। लेकिन याद रखिए, इन तीनों से हट के प्लान होगा ऐसा प्लान जहाँ से लोग अच्छा खासा सिस्टम देखने को मिलेगा, एक नया सिस्टम देखने को मिलेगा, क्योंकि वन पैसिव हमारा एक यूनिक है और यूनिकॉर्न है। क्योंकि आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही जल्द 1 से 2 साल में जैसे लॉन्च के बाद ये यूनिक नहीं बल्कि यूनिकॉर्न बन जाएगा और ये बहुत ही तेजी के साथ सर्वाइव होगा। तो आशा करता हूँ सभी वीडियो में मैं अपडेट दे पाया हूँ। तो मैं आप लोग से विदा लेता हूँ, धन्यवाद।